ऐसी चिंता को चलते वो यहाँ पहुँचे हैं कि कौन है छोटे भाई बड़े छोटे भाई।, भाई क्या नाम है उनका वीरेंद्र किसको इन्दर तो दिन हो गया है आपको लग रहा है कि काम ठीक चल रहा है नहीं काम तो ठीक नहीं चल रहा है छह दिन होने का मतलब ये तो बहुत ज्यादा डिले हो रहा है इतना ज्यादा जो अंदर में रहने वाला आदमी को कितना ढाड़स बंधा के रखा जा सकता है ये तो हम लोग सब महसूस कर सकते हैं कि भाई एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन ऐसे ही उसका तो करके वो ढीला होते जाएगा एक दिन ढीला होते होते ही वो नर्वस हो जाएगा आप लोग प्रयास करके क्या कीजिएगा इसलिए जल्द से जल्द प्रयास किया जाए एक या दो दिन के अंदर अंदर ये तुरंत खत्म किया जाए अभी तक चार पाइप घुसा हुआ है रात दिन एक करके सब पाइप घुसाइए और जल्दी निकालिए ढीला रवैया चल रहा है ढीला रवैया चल रहा है इसे ढीला ही कहा जाता है जब इतना अच्छा मशीन मंगाया गया अमेरिकन ऑर्गन सब नाम ले करके बोल रहा है तो ये इस तरह करके काम करता है क्या था कि एक घंटे में पाँच पांच मीटर मारेगा ये करेगा वो करेगा ये डेंगू मारने से नहीं होता है सही काम कीजिए और एक्सपर्ट क्या है एक्सपर्ट का, का काम दिखाइए आखिर एक्सपर्ट होता क्या है दुनिया भर के एक्सपर्ट लगा रखे हैं दूर विदेशों से टीम बुला है यही चीज मैं पूछना चाहता हूँ क्या सिर्फ नाम का एक्सपर्ट होने से एक्सपर्ट नहीं हो जाता काम करके दिखाइए फील्ड में और इसके बाद मैं आपको एक्सपर्ट मानूंगा जरूर मानूंगा आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वक्त हो गया हमको तो लग रहा है बहुत ज्यादा वक्त हो गया है इसलिए तो आए हैं वो निकले जल्दी से और शायद इतना दिन में निकलेंगे आ भी सकते हैं घर लेकिन जैसे यहाँ से हम लोग को बताया जा रहा है कि अब चौबीस घंटा दस घंटा आठ घंटा में निकल जाएंगे आज शाम तक निकल जाएंगे कल सुबह तक निकल जाएंगे लेकिन अभी तक तो नहीं निकला है बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया हाँ लगा दिया तो बहुत उम्मीद होती हूँ की आज बाहर आ जाएंगे आज बात हो जाएगी लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है जी अब क्या उम्मीद है आपको जल्दी से निकलिए हम उसी से बात करेंगे तब तो संतुष्टि होगी हम को बात करने दीजिए बात करनी ही आप आइए कि वहां जाके बात कर ठीक है तो ये परिवार है जो बिहार से आया है और लगातार जो है अपने जो वहाँ फंसे हुए हैं जो इनके भाई हैं इनके पति हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे छः दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं इनको लगा कि छः दिनों में वो बाहर आ जाएंगे तो उनसे घर पर ही मुलाकात हो जाएगी जब उन बाहर नहीं आ रहे हैं देर हो रही है रोज़ एक सुनने को मिलता है कि छः घंटे बाद आठ घंटे बाद दस घंटे बाद बाहर आ जाएंगे लेकिन वो वक्त कभी ख़त्म नहीं होता तो ऐसे में अब परिवार खुद ही चला आया है अपने पूरे सामान के साथ इसी उम्मीद में कि कम से कम एक मिनट ही सही उनसे बातचीत हो जाए